जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ फिर एक बार फ्रूट मंडी शोपियान में आपके साथ जुड़ा हूँ। तो जानते हैं आज फ्रूट मंडी शोपियान में कितना अराइवल है और साथ ही जानेंगे आज मार्केट की पोजीशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो देखने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये रियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी फ्रूट मंडी शोपियान से पहुँचा रहा हूँ वो बाकी तमाम लोग देखें। आज हमारे साथ है सागर फ्रूट कंपनी, तो आज इन्हीं से हम लेंगे मार्केट का क्या कुछ अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। करीबन करीबन 1 लाख के आसपास होगा। हाँ, 1 लाख के आसपास होगा। उठाव थोड़ा कम ही है, ये रोड की वजह से उठाव बहुत कम आ रहा है, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ फंसी है, इसलिए उठाव बहुत कम है। डिमांड तो है, डिमांड हर जगह है, लेकिन रास्ते में गाड़ी फंसने की वजह से डिमांड बहुत कम हो रही है। क्योंकि जो व्यापारी आज गाड़ी लोड करता है वो 3 दिन काजीगुंड में फंसती है, आज 2 गाड़ी कल 2 गाड़ी, इसलिए बहुत मतलब आगे परेशानी हो रही है। नाक का अपडेट है 250 रुपये से 350 तक। हाँ, 250 से 350 तक। यही यही माल मैं बोल रहा हूँ, 250 से 350, ये 300 350 तक ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है आज। हाँ, हाईएस्ट पोजीशन। गिफ्ट गिफ्ट पैक है 200 से 270 रुपये तक, लास्ट में 270 तक, 270 तक। सवा नंबर जिसमें कलर बढ़िया होगा, ये मतलब निशान बहुत कम होगा, 350 तक जाता है। हाँ, साढ़े तीन सौ तक सवा नंबर। एक नंबर की 600 से 750 फाइनल, ये 600 से, बिल्कुल 600 से 750। अगर जो हल्के माल होंगे, हल्के माल 600 से नीचे भी है। डेलिशियस की क्या कुछ पोजीशन है? डेलिशियस की पोजीशन 4.5 से 5.5। इन मालों की पोजीशन क्या है? ये माल है, ये जो लेस कलर है थोड़ा इसमें, तो ये तो 600 तक, 6.5-6 तक ये माल जाता है। ये माल जा, हाँ, 6.5-6 तक ये माल जा रहे हैं। ये जो इसमें लकड़ में है, लेकिन इसमें थोड़ा मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, 4-5 दिन इसको पैकिंग किए हुए हैं, तो ये थोड़ा मतलब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। ये 700 तक जाएगा। 700? हाँ, 700 हमने बिकाया है। 700 में आपने ये माल भेजे? मैसेज यही पहुंचाना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह ने लिखा होगा इंशाल्लाह वही हमारे मतलब घर में आएगा, बाकी टेंशन नहीं है। आगे इंशाल्लाह सब उम्मीद यही बैठे हुए कि मार्केट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको कल भी बताया, जब तक रोड ठीक नहीं होगा तब तक मार्केट की पोजिशन दिन ब दिन बदतर ही हो जाएगी, ना कि बेहतर, और नुकसान भी हो रहा है। अब मेरे ख्याल में मगर रोड था हमारा और एक ऑप्शन, लेकिन उसका जो पीर गली के बाद जो आता है एरिया, वो बिल्कुल ख़राब है, कोई गाड़ी वाला मतलब जाने के लिए तैयार नहीं है उस रोड से। तो इस रोड में गाड़ी अटक जाती है, लोडर लोडिंग करने से मना कर रहा है, क्योंकि जिसकी 10 लाख की या 8 लाख की गाड़ी होती है, गाड़ी 5 भरी हो गई है 40 लाख, हर कोई हर किसी की इस वक्त मतलब काजीगुंड में 50-40-60 लाख के आसपास मतलब उधर अपनी गाड़ियाँ फंसी हैं, कोई मतलब जोखिम ज़्यादा मतलब लेना नहीं चाहता है। बस यही, आप ध्यान से मतलब अपने आप को भी मतलब ज़ाया मत कीजिए। करीबन हमारे जो 90% लोड रहे वो दिन ब दिन ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए आराम से भरो, कोई टेंशन नहीं है। शुमला भी आगे ख़त्म होने वाला है, अल्लाह से यही उम्मीद करें कि दिन ब दिन इंशाल्लाह मार्केट ठीक हो जाए, बाकी यही अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। आगे लोगों में क्या हमारी उम्मीद भी जागने वाली है, क्योंकि हम भी उम्मीद यही करते हैं कि शुमला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, और मतलब हमारा जो ग्रोवर है साल भर मेहनत करता है, हम भी मतलब शर्मा जाते हैं जब ग्रोवर को हम रेट बोलते हैं ऐसा ऐसा कि यार बिल्कुल शर्मा जाते हैं कि माल कहाँ तक गया है, क्या बोल नहीं पाते हैं, तो हम उम्मीद ही करते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया सागर साहब। ये हमारे साथ है सागर फ्रूट कंपनी, तो इन्होंने आज हमें मंडी के इस रेट से अपडेट किया कि आज कुछ क्या पोजीशन है फ्रूट मंडी शोपियान में, डिमांड कैसी है, बाहर के लोग कैसे डिमांड करते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नेशनल हाईवे आए दिन बंद रहती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ के लोडरों को, जो कि यहाँ की गाड़ियाँ बहुत दिनों से यहाँ पर फंसी पड़ी है। तो हम भी LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, IG ट्रैफिक से गुजारिश ये करते हैं कि सर प्लीज़ किसी न किसी तरीके से इस रोड को आप बहाल कीजिए, ताकि जो हमारे यहाँ के लोड रहे हैं, हम या हमारे यहाँ के किसान हैं, वो बाकी मजीद नुकसानों से बच जाए। शुक्रिया।